दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आरआरसी ग्रुप डी जिसके एग्जामिनेशन फॉर्म 2019 में फिल किए गए थे और उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, और अगर आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको नहीं पता चल रहा है कि इसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, तो आज की इस वीडियो में आपको सबसे पहले तो वो बताऊंगा कि कैसे इसका एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है। अगर आपके सामने कुछ एरर मैसेज आ रहा है, मतलब कुछ इस तरीके का आपके सामने एरर आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, क्या आपका एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, या आपका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, या रिजेक्ट तो नहीं होगा आपका फॉर्म, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लाल वाले बटन को दबाकर, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड काफी सारी जानकारियां लेके आता रहता हूं। और जो भी आपको प्रॉब्लम लगती हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, किसी भी दूसरे एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड या फिर कोई भी मतलब ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। आ जाते हैं जानकारी पर। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको प्रॉपर तरीके से इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल रखी है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। अब जैसे कि आपको यहां पर सामने नजर आ रहा है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरसी 2019, यानी कि इसका फॉर्म जैसे मैंने आपको अभी बता दिया 2019 में फिल किए गए थे। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। अब मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर डाला हुआ है, डाल के देख लेते हैं इसको भी। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है, इससे किसी का फॉर्म फिल नहीं है, और मैं इसको लॉग इन करके देख रहा हूं तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है इनकरेक्ट क्रेडेंशियल, मतलब कि यहाँ पर जो मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ये मैंने फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, इससे कोई फॉर्म वगैरह फिल नहीं था। अगर आपके सामने भी कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है तो ये समझ जाइए कि भैया यहाँ पर जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है वो गलत है, या फिर आपने जो फॉर्म फिल करवाया था 2019 में ग्रुप डी वाला, वो आपका फॉर्म सही से सबमिट नहीं हुआ है या फिर रिजेक्ट वगैरह हो गया है, तो इस वजह से ऐसा एरर आ सकता है आपके सामने। अब मैं आपको दूसरा केस दिखाता हूँ, यहाँ पर दूसरा कौन सा एरर आता है। यहाँ पर मैंने एक रजिस्ट्रेशन नंबर और डाल दिया है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, लॉग इन करके देखते हैं इसे। अब यहाँ पर लिखकर आ रहा है डियर कैंडिडेट्स यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड इन दिस फेज प्लीज वेट फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे कि आपको ये पता होगा कि अभी जो एडमिट कार्ड आए हैं वो सिर्फ फर्स्ट फेज के आए हैं, मतलब कि मैं अभी आपको बता देता हूँ फर्स्ट फेज क्या है। यहाँ पर जो एग्जाम होंगे, मतलब जो एडमिट कार्ड जनरेट किए जाएंगे, वो अलग अलग फेजों के हिसाब से किए जाएंगे। मतलब कुछ कैंडिडेट का फेज वन में हो जाएगा एडमिट कार्ड आ जाएगा फेज वन में, कुछ कैंडिडेट का फेज टू में एडमिट कार्ड आएगा, कुछ कैंडिडेट का फेज थ्री में आ जाएगा, ऐसे करके 10-12 फेज यहाँ पर चलेंगे, जैसे कि एनटीपीसी में चले थे। वैसे एनटीपीसी में 10 के आसपास या फिर 8 के आसपास फेज चलाए गए थे, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है ग्रुप डी में काफी सारे कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किए थे, एनटीपीसी में तो भी कम फॉर्म फिल हुए थे, तो इसमें मुझे लग रहा है करीब 20-25 के आसपास फेज ना चल जाए, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का अभी फेज वन में एडमिट कार्ड निकाले गए हैं। और यहाँ पर ये एरर मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर नॉट शेड्यूल्ड इन दिस फेज, यानी कि आपका एग्जाम इस फेज में नहीं है, आपको वेट करना है थोड़े टाइम और तक, यानी कि जब यहाँ पर फेज टू के एडमिट कार्ड अपलोड किए जाएंगे उस टाइम आपको दोबारा से चेक करना पड़ेगा। अगर उसमें भी आपका फेज में यही लिखकर आ रहा है तो समझ जाइए उस फेज में भी आपका एग्जाम नहीं है, फिर तीसरे फेज में आपको चेक करना पड़ेगा। अगर उसमें भी कुछ इस तरीके का एरर मैसेज आ रहा है तो समझिए उस फेज में भी नहीं है, फिर अगले फेज में आपको इंतजार करके उसमें चेक करना है। तो इसी तरीके से हो सकता है आपका लास्ट फेज में एडमिट कार्ड निकले, इसी तरीके से हो सकता है आपका पांचवें फेज में निकला है, दूसरे फेज में निकला है, मतलब इसका कुछ कह नहीं सकते। इसमें कोई सीरियल वगैरह नहीं है, कोई सीरीज वगैरह नहीं है कि इसका एडमिट कार्ड पहले आएगा, इसका एडमिट कार्ड बाद में आएगा, या फिर नाम के हिसाब से ये दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको वेट करना है और चेक करते रहना है। अगर ऐसा कुछ एरर मैसेज आ रहा है तो आपको अगले फेज का इंतजार करना है और अगले फेज में चेक करना है। तो दोस्तों यही जानकारी थी। अब काफी सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ रही थी और मेरे को भी जो लोग जानते हैं वो मुझसे मैसेज करके पूछ रहे हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट के मेरे पास मैसेज भी आए हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम वगैरह पे भी, तो मैंने सोचा इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दी जाए ताकि आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाए। और दोस्तों अगर आपके सामने भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट और मैसेज का रिप्लाई करने की।